कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर देश भर के माता पिता काफी डरे हुए हैं। दरअसल कई एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि अगली लहर में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना वायरस से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में करवाए गए सीरो सर्वे में सामने आया है कि मुंबई के रहने वाले 50% से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद है। शहर के बच्चों पे किया गया यह सीरो सर्वे BYL नायर अस्पताल और कस्तूरबा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब ने किया है। महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों के बाद कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है। कहा गया है कि इस लहर में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान रखते हुए BMC कमिश्नर IS चहल और एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकानी ने दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों का सीरो सर्वे कराने का निर्देश दिया था। यह सीरो सर्वे 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 के दौरान किया गया। ब्लड सैंपल विभिन्न चिकित्सा जांच के लिए लैब में लाए गए नमूनों से उपलब्ध करवाया गया था। मुंबई की 24 वार्डों की पैथोलॉजी लैब में से कुल 2176 ब्लड सैंपल इकट्ठे किए गए थे। इनमें से BMC की आपली चिकित्सा नेटवर्क और नायर अस्पताल के 1283 और दो निजी लैब्स के नेटवर्क से 893 शामिल हैं। इस सर्वे में मुख्य तौर पर पाया गया कि शहर की 50% से अधिक बच्चों की आबादी पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर से 47.03% और पब्लिक सेक्टर से 54.36% समेत ओवर ऑल सीरो पॉजिटिविटी रेट 51.18% है। वहीं सीरो पॉजिटिविटी 10 से 14 साल की उम्र वालों में सबसे अधिक है, जो कि 53.43% है। वहीं 1 से 4 साल का सीरो पॉजिटिविटी रेट 51.04% से 5 से 9 साल का 47.33% और 10 से 14 साल की उम्र वालों का 53.43%, 15 से 18 साल का 51.39% और इसके अलावा 1 से 18 वर्ष का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 51.18% है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।